देखिए, पप्पू यादव जी के जन सेवा को नौटंकी करार देने वाले तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान दलितों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों का बाल कटवाते थे तो वो क्या था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। और अब जब तेजस्वी यादव ने कल फेसबुक लाइव किया था और जिस तरीके से सत्ता सौंपने की बात कर रहे थे, उसके बाद एक बार फिर से वो निशाने पर आ गए हैं और लगातार अब पप्पू यादव से जोड़कर तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वह उन पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को डर लगने लगा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने सीधे तौर पर पप्पू यादव की जनसेवा की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले आप सुनिए। देखिए, पप्पू यादव जी के जन सेवा को नौटंकी करार देने वाले तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान दलितों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों का बाल कटवाते थे तो वो क्या था। आप करे तो लीला और दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। तेजस्वी जी अलनी चलनी को नहीं दूसता है जिसमें खुद 72 छेद होता है, ऐसी राजनीति मत करिए। और एक चीज बहुत स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन जमीन पर उतर के काम कर रहा है और कौन दिल्ली में बैठ के सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली राजनीति कर रहा है। इसलिए अनुरोध है कि अपनी पुरानी जो दुश्मनी है 2015 वाली कि तेज प्रताप और तेजस्वी हार जाएंगे, तो पप्पू जी ने कहा था ना कि हार जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, अब पुरानी दुश्मनी को भुलाइए और जमीन पर उतरकर गरीबों की मदद करिए, दूसरे के मदद को नौटंकी मत कहिए। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल फेसबुक लाइव किया था और जिस तरीके से राजद के नेताओं के द्वारा बार बार पप्पू यादव की जनसेवा पर सवाल उठाया जा रहा है, तो ऐसे में अब जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव पिछड़ों और दलितों के मोहल्ले में जाकर बच्चों का बाल काटते थे तो उस वक्त वह जनसेवा था और अब जब पप्पू यादव जनसेवा करते हैं तो वह आपको ड्रामा लगता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप करे तो वह लीला था और अगर पप्पू यादव करे तो वह कैरेक्टर ढीला है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा पप्पू यादव का भी समर्थन किया जा रहा है, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया जा रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में राजनीति एकदम चरम पर है। लगातार एक तरफ जहां पप्पू यादव के समर्थक सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव जब खुलकर इस मामले पर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में उन पर भी प्रहार करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से सरकार पक्ष के नेता भी लगातार पप्पू यादव का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में क्या कुछ करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव जब जेल जाने लगे थे तो उस वक्त तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अब आपको जमीन पर उतरना होगा, हम जेल जा रहे हैं, आपको बिहार में लगातार जनसेवा करना होगा। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव के बात के बावजूद राजद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उल्टा पप्पू यादव पर ही कई तरह के दोष मढ़ दिए गए, तो उसके बाद से लगातार अब राजद के तमाम नेता जो हैं वह निशाने पर हैं। अब बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।